अब मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं, अब मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि हम अपने सपनों की नहीं अपने हौसलों की उड़ान भरते हैं, अपने हौसलों की उड़ान भरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा और स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्विज स्टडी में। आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्टडी एग्जाम्स एंड बिग एग्जाम्स लाइक आईएएस, पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीओ वगैरह। उन लोगों के लिए मैं आज बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। आप जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू प्रिपरेशन आवर एग्जाम्स, हम अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हम अक्सर आ जाते हैं तैयारी करने के लिए या सोच लिया कि हमें एग्जाम देना है या गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें अप्लाई करना है और मेहनत करने लग जाते हैं, पर हमको एक्चुअली में पता नहीं होता है कि सबसे पहले करना क्या होता है। और ये गाइडेंस हमको वो कोचिंग वाले भी नहीं देते हैं जिनके यहाँ पर हम कोचिंग कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इन चीजों से हम थोड़ा लैक रह जाते हैं और एक जाल से में जाल से में फंस कर रह जाते हैं। जैसे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और सारा समय सिर्फ इसी बात में वेस्ट चला जाता है कि हमें आखिर पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, हमें कहां तक पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई का तो भाई कोई अंत है नहीं। यहां तो वो कहते हैं कि लर्निंग पावर इज बेस्ट पावर, यानी कि जो हमारी रीडिंग पावर है वो बहुत ही बेस्ट है और हमारी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है, शिक्षा हमको जगह जगह से लेती रहनी चाहिए और वो हमको मिलती भी रहती है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भगवान हो, हमें हर जगह से शिक्षा मिलती है तो हमें लेती रहनी चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा टॉपिक को ना खींचते हुए आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है जिससे आपको मिलेगा 100% रिजल्ट और आप अपने एग्जाम में वन टाइम में ही फाइट कर देंगे। मोस्टली मैं उसमें 100% नहीं कहती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ लैक ऑफ द प्रिपरेशंस या फिर आपकी टाइमिंग के हिसाब से रह हो सकता है कि आप उसमें रह जाएं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपका जरूर निकल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको, बस एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा व्यू फॉलो करना है और उस व्यू पर ही आपको चलना है। ज्यादा से ज्यादा ये नहीं है कि हम घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, लेकिन हमें उसका फायदा कहाँ मिल रहा है जब हमें यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है। तो स्टडी तो बहुत बड़ी है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है ये अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि आप अगर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके ऊपर फोकस करो, बैंक, पीओ, एसएससी, वन डे एग्जाम के लिए कर रहे हो तो उस पर फोकस करो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना विजन क्लियर करना है कि आपको किस फील्ड में प्रिपरेशन करनी है या किस फील्ड की आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, विजन क्लियर करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकाल लीजिए। आजकल नेट से सब कुछ मिल जाता है, आपको इंटरनेट पे हर नॉलेज मिल जाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीज कब निकली कब गई। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इंटरनेट से या फिर मार्केट से उसका सिलेबस ले आइए, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसका सिलेबस ले लीजिए और सिलेबस को अपने हैंड से, अपनी हैंड राइटिंग से, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अपना लिखा हुआ हम कभी भूलते नहीं हैं। तो करना क्या है कि अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी बुक पर, अपनी नोटबुक पर आप उसका सिलेबस टर्न बाय टर्न उतार लीजिए और सिलेबस को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए और उसको देखते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उसमें ना बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकानी है पढ़ाई करते समय। क्या करना है, खिचड़ी नहीं पकानी है आपको। करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, यानी कि आपके सिलेबस के हिसाब से। मान लीजिए हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री में क्या क्या उसमें दिया हुआ है, मॉडर्न इंडिया है, एंशियंट हिस्ट्री है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे
तो उसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कौन से पॉइंट हैं वो नोट कर लीजिए, उनको तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद उनका रिवीजन कीजिए, उसको पक्का कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जाइए, या फिर आप टर्न बाय टर्न ऐसा कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत 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 फायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जरूर कीजिए, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं और ये इसके बड़े 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 फायदे हैं। तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और मुझे बताइएगा, और अपनी एग्जाम की तैयारी में पूरी जान झोंक दीजिए और उसको कंप्लीट करके ही मानिए, क्योंकि अपने सपनों को उड़ने से, हमको अपने सपनों में उड़ने से कोई रोक नहीं सकता और हमारे पंखों की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसके हौसले बुलंद होते हैं ना, जीत उसी की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो पूजा सेस बाय।